राज्यों के नाम पर अब तक का सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। विभाग के कुछ अधिकारियों ने कमार भुजिया वर्ग के आदिवासियों को जमीन आवंटित करने के नाम पर भारी अनियमितताएं करके करोड़ों के वारनियारे कर दिए हैं, जबकि ग्राउंड लेवल पर ज्यादातर हितग्राहियों को जमीन नहीं मिली है और अगर किसी को मिली भी है तो वो जमीन खेती के लायक ही नहीं है। इलाके के सामाजिक कार्यकर्ता और कांग्रेस नेता विनोद तिवारी ने सूचना के अधिकार के तहत इस पूरे गोलमाल की जानकारी निकाली है और कलेक्टर से जांच की मांग की। जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र हैं भुजिया और खमार, उनको जमीन रजिस्ट्री की गई उनके नाम पर, फर्जी ढंग से रजिस्ट्री की गई है। बड़ेहाड़ का जंगल बेच दिया गया है उन्हें। आज तक जिन लोगों के नाम से रजिस्ट्री की गई उन्हें जमीन नहीं मिली। 170 रजिस्ट्री बिना नक्शा खसरा के रजिस्ट्री हो गई। 24 रजिस्ट्रियों में स्टाम्प पेपर ही नहीं लगा है। इसमें अधिकारी से लेके रजिस्ट्रार ऑफिस से लेके जमीन की दलाली करने वाले सभी लोग शामिल हैं। कमार भुजिया जो प्राधिकरण है उसके तहत पहले जमीन की खरीदी हुई है। जो भूमिहीन जो पीटी की है, विशेष पिछड़ी जनजाति जो कमार भुजिया जनजाति है, उसके नाम से जमीनों का खरीदे हैं, जिसमें काफी फर्जीवाड़ा होने की शिकायत प्राप्त हुई है। इसकी जांच में एडिशनल कलेक्टर की अध्यक्षता में 4 सदस्यों की एक टीम बना दिया हूँ और ये लगभग 15 से 20 दिन में पूरी जाँच। और अधिक जानकारी सर पुरुषोत्तम पात्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुरुषोत्तम, जिस तरीके से देखा जाए जंगल बिच गए, जमीन बिच गई, लेकिन मिली भी है नहीं किसी को, कौन अधिकारी थे ये जिन्होंने ना स्टाम्प लगाया ना खसरा देखा और बस जमीन आवंटित करने के पेपर बांट दिए या फिर जमीन आवंटित कर दी उनके नाम, जो कि आधिकारिक रूप से हुई नहीं? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि 10 साल पहले ये कमार विकास प्राधिकरण के तहत ये स्कीम आया हुआ था कि जो कमार भुजिया लोग हैं जंगल के भीतर रहते हैं, जिन्हें पारंपरिक केवल व्यवसाय ही उनका आय का स्रोत था, तो उन्हें कृषि के क्षेत्र से जोड़ने के लिए उनके लिए जमीन खरीदने का एक प्रावधान किया गया था, जिसके तहत नियम भी यह था कि जिस जगह पे कमार आदिवासी रहते हैं उनके नजदीकी इलाकों में ये जमीन उनको चिन्हांकित करके उसको अन्य जो विक्रेता है उनसे खरीद के ये जमीन उनको मुहैया कराना था। लेकिन इसमें देखा यह गया है कि जो सूचना के अधिकार के तहत जब मामला निकाला, आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ कांग्रेस नेता जुड़ गए हैं। विनोद तिवारी जी, स्वराज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। जिस तरीके से पूरा मामला आपके भी संज्ञान में होगा, ये 170 रजिस्ट्रियां कैसे हो गई? हेलो जी, जी दरिया बंद है, कमार भुजिया विकास प्राधिकरण है, इसके द्वारा पूरा विधि प्रकार किया वाले भुजिया और कमार जाति के लोग जनजाति के वो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र से जाते हैं। इनको शासन के द्वारा मुफ्त में जमीन क्रय करके उन्हें देने का सिलसिला। विनोद जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, निवेदन है कि थोड़ा सा तेज बोलिए, इससे हम तक आवाज पहुंच पाए आपकी। लेकिन जिस तरीके से आप जिम्मेदार किसको ठहराते हैं इसके लिए? देखिए, गरियाबंद कमार भुजिया विकास प्राधिकरण जो है वहां पर व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। ये लोग राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहलाते हैं, इन्हें मुफ्त में जमीन क्रय करके देने का प्रावधान है। इन्हें कृषि योग्य भूमि, अगर कृषि योग्य भूमि के नाम पर इन्हें बड़े झाड़ों का जंगल दे दिया गया, फर्जी रजिस्ट्री कराकर पैसे आहरण कर लिए गए, 102 रजिस्ट्री में 170 रजिस्ट्री बिना नक्शा खसरा विवरण के हो गई, जो की विधि संभव ही नहीं है। 24 रजिस्ट्रियां इसमें स्टाम्प पेपर नहीं लगे हैं। 10 साल हो गया, ना तो उन्हें भूमि, ना उन्हें जमीन के कागजात रजिस्ट्री के पेपर मिले, ना उन्हें कब्जा मिला। कुल मिलाकर दायरे में कब्जा कैसे मिलेगा, क्योंकि जब वहाँ पर जो काम प्रक्रिया होनी चाहिए थी उसके अनुरूप ही काम ही नहीं हुआ तो उन्हें जमीन कैसे मिल जाएगी? जाहिर सी बात है। शुक्रिया आपका विनोद जी जुड़ने के लिए, हमारे साथ पुरुषोत्तम लगातार बने हुए हैं। पुरुषोत्तम, इसमें जिम्मेदार अधिकारी कौन थे, अब ये मामला कहां तक जाएगा, क्योंकि ना तो उन्हें जमीन मिली और जो सरकारी जमीन थी उसका भी खुर्दबूत उन्हें कर दिया गया, इतनी बड़ी लापरवाही यहां पर हुई। निश्चित तौर पे जो ये योजना है वृहद तौर पे परियोजना प्रशासन के द्वारा चलाया गया था, सरकार के पैसे इसमें आए और राजस्व विभाग को शामिल किया गया था और राजस्व विभाग का ये दायित्व था कि जमीन का चिन्हांकन करे। चिन्हांकन करने के बाद विधिवत मुक्त जहाँ खरीदने योग्य जमीन है उसको खरीद के कमार जो भुजिया जो हितग्राही है उनको उपलब्ध कराए, तो कहीं ना कहीं राजस्व विभाग और ये परियोजना प्रशासन विभाग की बड़ी साठगांठ कहा जा सकता है। क्योंकि जिस तरह से विनोद तिवारी द्वारा लगाए गए सूचना का अधिकार में जो जानकारी निकल के आई है उसमें यह भी सामने आया है कि जो कृषि योग्य जमीन ही नहीं है, बड़े झाड़ के जंगल है उसे भी कृषि योग्य जमीन बता के हितग्राहियों को सौंपा गया है। कुछ ऐसे भी रजिस्ट्री सामने आए हैं जिसमें जो क्रेता ने बेचा ही नहीं है, जो निजी जमीन होते हैं वो विक्रय ही नहीं हुआ है वहाँ पर, लेकिन जो जमीन थी कुछ लोगों को आवंटित ही नहीं हुई, तो वो जमीन अभी किसी और के नाम कर दी गई है वहाँ पर मौजूद है सरकार के नाम ही।
जी देखिए, क्योंकि जो जमीन का चिन्हांकन ही गलत तरीके से हुआ था, जो जंगल थे, जो पेड़ बड़े झाड़ के जंगल थे जो वन विभाग के दायरे में आता था, तो ऑलरेडी वो कृषि विभाग की जमीन कृषि के योग्य पहले से ही नहीं थी। उन जमीनों को केवल कागजों में बताया गया था, तो निश्चित तो और इसी कारण जो है आज तक जो जमीन है वो जमीन को जिन हितग्राहियों को सौंपा गया था वो हितग्राही आज तक अपने जमीन तक नहीं देखे हैं और न ही उनको कोई किसी प्रकार का दस्तावेज मिला है। यानी कि जो पूरा जो वहाँ पे 70% जो योजना है केवल कागजों में खेला गया, सरकार योजना चल गई और लाभ भी लोगों को कागजों में ही मिल गया, ये कहा जा सकता है। शुक्रिया आपको पुरुषोत्तम तमाम जानकारी के लिए। छिंदवाड़ा के सौंसर में बीते दिनों अच्छी बारिश से